17 जुलाई को निर्यापक मुनिश्री संत सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश पिंडरई में हुआ। चातुर्मास के लिए नगर में पधारे मुनि संघ की भक्तों ने भव्यता के साथ अगवानी की। अविस्मरणीय नजारा था। 17 जुलाई को पिंडरई नगर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्य और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती निर्यापक मुनि श्री संत सागर जी महाराज के पदार्पण से पूरे नगर का वातावरण गुरु भक्ति से सराबोर हो गया। हाथों में धर्म ध्वजाएं लहराते हुए हजारों गुरु भक्त जब पिंडरई में स्वागत को आए तो पूरा नगर मानो खुद ही झूम उठा। बैंडबाजों के साथ नगर में मंगल गीत गुंजायमान थे। भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। बच्चे युवा सभी मुनि संघ की अगवानी को उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। हाथों में आचार्य श्री की तस्वीर तख्तियां गुरु के आशीर्वाद की अनुभूति करवा रही थी। वही बड़े बड़े रथ और बगिया अगवानी को भव्य बना रहे थे। व्रती नगर में आगमन के बाद भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर मंदिर में प्रवेश करवाया। इस दौरान पूरा प्रांगण गुरु भक्ति में रमा हुआ था। प्रांगण में आने के बाद चित्रानावरण और दीप प्रज्वलन के साथ धर्म सभा की शुरुआत हुई, जिसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने निर्यापक मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। और फिर प्रांगण में निर्यापक मुनिश्री की दिव्य वाणी खिली। मंगल देशना में मुनिवर ने भक्तों को वर्षा योग के महत्व से अवगत कराया। वर्षा का काल किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है और धर्मात्माओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्षा काल के अवसर को पाकर के किसान जैसे कड़ी मेहनत करता है और फिर उसे फसल मिलती है, चातुर्मास का अवसर पाकर अगर समाज कड़ी मेहनत करती है तो उसे सफलता के रूप में फसल मिलती है। क्या मिलती है? सफलता के रूप में फसल मिलती है। मेहनत करने की बहुत जरूरत है। गुरुवर के आगमन के बाद भक्तों ने मुनि संघ के समक्ष श्रीफल आदि अर्पित किए और सहयोगियों का सम्मान किया गया। जैन फोकस के लिए पिंडरई मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।